morning, children. How are you, children? Class 7. Class 7, आपको मैंने जागरण गीत पढ़ाया. जागरण गीत के माध्यम से कवि सोनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम कब किशोर को जगाना चाह रहा है, कब उन नवयुवकों को जो कल्पना लोक में विचरण करते हैं, जो अभी तक अपने जीवन की प्रगति और उन्नति का मार्ग नहीं अपना रहे हैं, उन्हें जगाकर उन्हें प्रगति के मार्ग पर लाना चाह रहा है. समझ में आया? और उसी में से मैंने कविता को पढ़ाया, अर्थ भी लिखाया. अभी कल एक अर्थ का मैंने माला फेर, सॉरी माला फेर नहीं, तुम उठो धरती उठे नब सिर उठाए. अगर तुम प्रगति के मार्ग पर जाते हो तो आसमान और पृथ्वी दोनों आपका क्या होता है, उठ जाएंगे. आपको पृथ्वी उठी हुई और आसमान ऊपर से देखते उठा हुआ दिखेगा. अगर आप प्रगति के मार्ग पर नहीं जाते हो, आलस में निद्रा में सोए हो, सपने सजो रहे हो, कल्पना लोक में विचरण कर रहे हो, तो आपका जीवन अंधकारमय रहेगा. आप प्रगति के मार्ग पर नहीं जा सकते. हमेशा मनुष्य को कर्मठी, प्रयत्नशील और अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करना चाहिए. और ऐसा व्यक्ति सदैव जीवन में उन्नति का मार्ग पकड़ता है और उन्नति पर जाता है. बच्चों, हमें भी, आप भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कर्मठा थे, नित्य प्रयत्न पूर्वक पढ़ना लिखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, तभी परीक्षा में आप सफल होंगे. देखिए, आज हम आपको अर्थ लिखकर वाक्य बनाना बता रहे हैं कि आप कुछ शब्द हैं जो उसका अर्थ लिखोगे और वाक्य बनाओगे और इस शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखोगे. पर्यायवाची एक समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं. इसी तरह से आपका जैसे है उदयाचल और अस्ताचल. उदयाचल आप देखते हो, सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा से निकलता है, उदय होता है. और अस्ताचल माने सूर्य का डूबना और उदयाचल माने सूर्य का निकलना. सूर्य किस दिशा से निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है. सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलते निकलते पश्चिम दिशा को जाकर के अस्त होता है, डूबता है. समझ में आया? तो हम इसी का वाक्य लिखाएंगे. लुक एट दी रेड बोर्ड. निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ. पाठ है जागरण. प्रगत का अर्थ होता है उन्नत. व्यक्ति को महान बना देता है. अपने कार्य में कार्य
के निकलने की दिशा। सूर्य प्रातःकाल के समय उदयाचल से अपनी आभा बिखेरने लगता है। ध्यान दीजिए, सूर्य प्रातःकाल जब पूर्व दिशा से उदय होता है तो अपनी किरणें बिखेरने लगता है और प्रकाश होने लगता है। तो यही कहा गया है, वाक्य बना है, सूर्य प्रातःकाल के समय उदयाचल से अपनी आभा बिखेरने लगता है। सबके समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर दो है, निम्न शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द है फूल। फूल को आप कुछ भी कहते हो, सुमन भी कहते हो, प्रसून भी कहते हो, कुसुम भी कहते हो, तमाम नाम सुन। दूसरा शब्द है पानी। पानी का तो जल भी कहते हो, नीर भी कहते हो, पेय भी कहते हो, तो सूर्य। सूर्य को आप कांटा कहते हो, वेदना कहते हो, व्याख्या भी कहते हो। सूर्य, सूर्य को रंग के नाम से जानते हो, दिनकर नाम से जानते हो, दीपक दीपाकर भी जानते हो। रात, रात को रात्रि भी कहते हो, रजनी भी कहते हो और निशा भी कहते हो। ये आपका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका आपके लिखकर वाक्य बनाना है। और होमवर्क में है, देशभक्त से परिपूर्ण कोई कविता लिखो तथा याद करो। चाहे जो आपके बुक में कविता देशभक्त से परिपूर्ण है या कोई अन्य कविता और आती होगी, उसको लिखोगे और लड़